हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में आइए हम लोग 2019 का पेपर वन को सॉल्व करने के लिए प्रयास करें। ये जो टेस्ट बुकलेट है ये वाई है, ठीक है, एन इथलेट का। तो इसमें 50 क्वेश्चंस रहता है और सबके सब कंपलसरी है। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स है। आइए देखते हैं आप, और काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितना ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, मुझे भी अदर्स टॉपिक पर वीडियो बनाने में अच्छा लगेंगे। तो आप लोग काइंडली वीडियो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर पाए। और आप लोगों के डिमांड के हिसाब से मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड बनता जाओ, ठीक है। जितना लोग जुड़ जाएंगे चैनल के साथ उतना मुझे भी अच्छा लगेगा अदर्स टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में। सब लोग बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, फिर भी अच्छा लगता है अगर कुछ वीडियो बनाने से दूसरे को हेल्प होता है। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं भी प्रयास करूंगा कि आप लोग के जरूरत के हिसाब से उस प्रकार के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। चलिए, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया चैनल में जुड़े रहने के लिए। आगे देखते हैं, आइए। ये जो है फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या है, इट इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड इट इज डिफाइंड एज ऑन साइकिल पर सेकंड, ठीक है। इंटरनेशनल जो सिस्टम है यूनिट्स का, इसके साथ जो है किसका संबंध है, हा? हर्ट्ज का, ठीक है। दैट्स मीन इसका जो राइट आंसर है ये बी है। टू नंबर में क्या है, ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कंटेन्स बोथ ए डिजिटल एंड एन एनालॉग सर्किट। कंप्यूटर जो डिजिटल एनालॉग के साथ है, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे हम लोग जानते हैं किस प्रकार से, किस नाम से। तो हार्वर्ड कंप्यूटर, ठीक है, इसका जो आंसर है ये क्या होगा, बी होगा। थर्ड नंबर में जो है HTTP स्टैंड्स फॉर, HTTP का क्या मतलब होता है, फिर बात यह है इसमें, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, फिर डी होगा, ठीक है। इसमें देखिए फोर नंबर में, ए पर्सन एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑनलाइन कम्युनिटीज और द इंटरनेट इन जनरल इज डिस्क्राइब एज, जो लोग ऑनलाइन के जो है इंटरनेट के साथ जो लोग जुड़े रहता है, सिटी में रहने वाला को, स्टेट में रहने वाला को सिटीजन कहता है। इस प्रकार से जो लोग नेट के साथ जुड़े रहता है, जो लोग बाल्डिंग का काम करता है, बाल्डिंग वो लोग उसे बल्डर्स कहा जाता है। उसी प्रकार से नेट के साथ जुड़े रहने वाले को क्या कहा जाते हैं, फिर नेटिजन, ठीक है। नेट के साथ जुड़े रहने वाले को नेटिजन कहा जाता है। फाइव नंबर में, ए ग्रुप ऑफ एट एडजेसेंट वंस ऑन के मैप इज नोन एज, फाइव नंबर का जो है वो सेट, इसका जो आंसर है ये क्या होगा, फिर डी होगा। सिक्स नंबर में,
सिक्स नंबर में क्या है, द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर दैट इज डायरेक्टली अबव द ट्रोपोस्फेयर एंड डायरेक्टली बिलो द थर्मोस्फेयर इज क्या है, मेसोस्फेयर, इज नॉट इट, मेसोस्फेयर इज, ओके, दैट मीन द आंसर इज कॉल्ड बी, ओके. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, दैट मीन हम लोग को इसमें मिलन करना पड़ेगा, ठीक है, मैच करने के लिए दिया हुआ है. तो आप लोग देखिए, आप लोग जहाँ पे स्लो करना है, आप लोग वीडियो आप यूट्यूब में तो ऑप्शन है, आप लोग स्लो कर सकते हैं, क्योंकि सभी के हिसाब से वीडियो नहीं बनाया जा सकता ना, और किसी को कुछ चीज का जरूरत होता है, किसी को नहीं जरूरत, तो इस प्रकार से आप लोग फास्ट स्लो कर सकते हैं. सेटिंग्स में है, जहाँ पे स्लो करना है स्लो कर ले सकते हैं, जहाँ पे फास्ट करना है फास्ट कर ले सकते हैं, इस प्रकार से देखिएगा आप लोग. तो 7 नंबर में क्या है, इसमें हम लोग को क्या करने के लिए दिया गया है, मैथ करने के लिए दिया गया है, ठीक है. तो इसमें क्या है, जो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क को टेस्टिंग करने के लिए क्या होता है, लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर से ले ऊपर ले लेता हूँ. फिर जो एन इंस्ट्रूमेंट हुईज मेजर्स एटमोस्फेयर प्रेशर, एटमोस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, नापने मापने के लिए किस प्रकार की डिवाइस की जरूरत होता है, हाँ, वो है बैरोमीटर, ठीक है. तो इस प्रकार को हम लोग इसको देखना है, ठीक है. फिर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द लाइनर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का लाइनर ग्रोथ जो होता है उसको झुकने के लिए मेजर करने के लिए एक्सोनोमीटर की जरूरत होता है. तो इस प्रकार से मिलान करने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन जो आता है ना, वो आपका होता है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, वो आता है ए का, ठीक है, इसमें वो ए राइट हो जाता है. फिर आइए 8 नंबर में क्या है, द टेम्परेचर 212 डिग्री एफ इज इक्वल टू कितना है इसमें 8 नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस, क्या है 100 डिग्री, ए इज राइट. इतना भी क्रैश करो फिर भी गड़बड़ हो जाता है इसमें वीडियो में, ए इज राइट, ओके. नेक्स्ट हु इज नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जाना जाता है किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से, राजेंद्र सिंह को, दैट मीन राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट 10 नंबर में क्या है, हो इनिशिएटेड द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट के साथ इनिशिएट जुड़ा हुआ कौन है, किसने इन्वॉल्व किया था, किसने उसके साथ जुड़ा हुआ है चिपको मूवमेंट के साथ, हाँ, दैट मीन सुंदरलाल बोहगना के, सुंदरलाल बोहगना डी इज राइट ऑप्शन. इसमें क्या है, एग्जिट अमाउंट ऑफ मार्करी इन ड्रिंकिंग वाटर एसोसिएटेड, ये आप लोग रीड कर सकते हैं, जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है स्लो कर लीजिएगा वीडियो को और आप लोग रीड कर सकेंगे इसको, ठीक है, हाँ, या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको पहले ही देख चुका हूँ, तो इसका आप इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. तो देखिए इस प्रकार से
इसका जो राइट ऑप्शन होता है टू और थ्री, ये बोथ है, ठीक है, टू और थ्री मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है डी, डी है। इसमें रीजनिंग आर्गुमेंट दिया हुआ है 12 नंबर में, तो रीजनिंग आर्गुमेंट, ठीक है, तो इसको देखने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन है ये है पुटिंग ऑन वेट इज नॉट द ओनली हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग बीयर, दैट मीन डी इज राइट। ओके, थर्टीन नंबर में कंसीडर द फ्लोइंग टू स्टेटमेंट, ये देखने के लिए दिया गया है टू स्टेटमेंट है, इसलिए इसको ऑल एस आर बी सम दिस आर ए, तो इसका राइट कौन सा हो सकता है, ऑल दिस आर बी, ओके, ऑल दिस आर बी, दैट्स मीन सी इज राइट। सी इज राइट। फोर्टीन नंबर में क्या है, फोर्टीन नंबर में क्या है फिर, इसमें भी आर्गुमेंट रीजनिंग दिया हुआ है, तो इस प्रकार से इसको देखने के बाद फोर्टीन नंबर में जिन, ठीक है, फोर्टीन नंबर इसका जो राइट ऑप्शन है एच जी एच आई होता है, एच जी एच आई होता है मतलब बी इज राइट ऑप्शन, बी बी। ओके, बी इज राइट। फिफ्टीन में मैच करने के लिए दिया गया है, इसमें देखिए मैच फर्स्ट टू सेकेंड, तो बेल्ट है, बेल्ट क्या कहाँ पर किस कौन सा देश के साथ जुड़ा हुआ है, साउथ अफ्रीका के साथ, इस प्रकार से ये देखते थे, ये जैसा है ऐसा ही मतलब, हाँ ऐसा ही है, सब कुछ मिला हुआ ही है इसमें, ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ये है, जैसा है ऐसा ही राइट ही है, ठीक है, ए इज राइट। ए सीरियस माइंड टीचर एज ए रूल, सीरियस माइंडेड टीचर एज रोल, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सीरियस माइंडेड जो टीचर होता है उसका रोल किस प्रकार का होता है, हाँ वो किस प्रकार से अपना काम को करना पड़ता है, हाँ इसका जो राइट ऑप्शन है ये है सी, ठीक है, सीरियस माइंडेड टीचर के लिए ये राइट है। Allows the mistake to be committed and explains how to minimize those mistakes. ठीक है, स्टूडेंट्स को ये चांस दिया जाता है, देखिए सेवेंटीन नंबर में क्या है फिर, ए न्यूली अपॉइंटेड टीचर मीटिंग ही स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो फर्स्ट टाइम के लिए कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो आप जो टीचर हैं हम, तो हम क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको किस प्रकार की नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा ताकि वो आपको सोचे कि आप अच्छा हैं उनके लिए,
इस प्रकार की जो बात है वो आंसर जो है वो डी राइट होगा। उनके लिए आपका जो इमेज है ये अच्छा दिखाना पड़ेगा और जो बाद है उस वो जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये क्या होगा, फिर डी होगा। अब बोथ ए एंड सी, डी इज राइट। ओके, डी इज राइट। मतलब इस प्रकार की प्रॉब्लम कुछ होता है वीडियो मेकिंग करने में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो कास्ट ना हो जाए, कोई क्वेश्चन या आंसर देखने में आप लोगों को दिक्कत ना आ जाए, इसलिए सर कर रहा हूँ मैं जूम एंड कभी कभी सर्च करना पड़ता है। आइए अब 15 नंबर में क्या है, फिर नंबर में क्या है, इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। लैंग्वेज लर्निंग में नीचे दिए हुए कौन सा ऑप्शन मतलब ठीक है, इनमें जो लिसनिंग का जो है, राइटिंग का जो है, रीडिंग का जो है, स्पीकिंग का जो है, इसमें से कौन सा जो सीरियल है वो ठीक है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो ये जो है सी इज राइट ऑप्शन। सी इज राइट। ओके, एक्टिंग नंबर का सी सीरियल राइट है। फिर देखिए 19 नंबर में, द बेस्ट वे फॉर ए टीचर ऑफ इंग्लिश इन स्कूल, द बेस्ट वे फॉर ए टीचर ऑफ इंग्लिश इन स्कूल इज। इंग्लिश टीचर स्कूल में मतलब किस प्रकार की इंग्लिश टीचर ज्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए हो, उस मतलब टीचिंग के लिए। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो डेडिकेट नोट्स एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू कैम टू प्रिपेयर आंसर टू ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस, टू कॉन्फाइन स्ट्रिक्टली टू द टेक्स्ट मटेरियल एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशंस, टू क्रिएट एप्रोप्रिएट सिचुएशंस फॉर स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट। हाँ, डी। ठीक है, स्पीक और राइटिंग करेंगे तो स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा, फिर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, स्टूडेंट्स अच्छा बनते जाएंगे इंग्लिश में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, वो है डी। डी इज राइट। इसमें देखिए क्या है, 20 में, बिब्लियोग्राफी गिवेन इन ए रिसर्च रिपोर्ट। बिब्लियोग्राफी जो है इसमें रिसर्च का जो रिपोर्ट होता है उसके कौन सा सही है, बी इज राइट ऑप्शन। बी इज राइट। 21 में, सर्वे स्टडी एम्स एट, इन सर्वे स्टडी जो होता है सर्वे, इसमें सर्वे में सर्वे की जो स्टडी होता है, इनमें से नीचे दिए हुए में से कौन कौन सा जो पॉइंट है ये सही है। ठीक है, देखिए आप लोग, तो इनमें से 1, 2, 3 जो है ये सर्वे स्टडी के लिए
है, ठीक है, देख लीजिए। तो एक दो तीन वाला जो ऑप्शन है बी, ये क्या है, राइट है। टू में क्या है, इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मीन्स, इक्वल एजुकेशन जो है इसका अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, इक्वल एजुकेशन का मतलब क्या, मीन इक्वल एजुकेशन का क्या मतलब, फिर इसका जो मीनिंग है जो सी नंबर में दिया हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रेन टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, ठीक है। तो ये क्या है इसका राइट ऑप्शन है, सी इज राइट। ट्वेंटी थ्री नंबर में क्या है, द टेक्निक एडॉप्ट टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन बोर्ड की, इसमें क्या राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट ऑप्शन है ये है साइकोमेट्री, दैट मीन द राइट ऑप्शन इज थी, ओके, सी इज राइट ऑप्शन फॉर 23rd क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को रीड करके बाकी आने वाले आंसर क्वेश्चन का आंसर करना है। तो जिनके पास क्वेश्चन नहीं है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो स्लो कर सकते हैं, यूट्यूब सेटिंग्स में जाकर जाके इसको रीड कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर रीड करके इसका ट्राई कर सकते हैं आंसर करने के लिए, ठीक है। तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया ऑफ एन इंग्लिश मोनार्क, कौन है, सर थॉमस रॉय, दैट मीन बी इज राइट ऑप्शन, ओके। ट्वेंटी फाइव नंबर का जो है, ब्लैक होल रिफर टू इन द अबव पेजेस में, ब्लैक होल का मीन क्या निकलता है, ये पेज को रीड करने के बाद, ब्लैक होल जो है ये पेज को रीड करने के बाद क्या आंसर निकलता है, स्मॉल प्रिजन्स, ठीक है, दैट मीन आंसर पॉइंट जो डी में जो है, डी, ठीक है, डी इज राइट, ओके। फिर देखिए, हाँ, 26 में क्या है, द ऑथर रोट आर्टिकल्स फॉर एस टी साइबर्स कॉलेज मैगजीन, द एडिटर ऑफ द मैगजीन वॉज, तो इस मैगजीन का जो राइटर है, एडिटर कौन है, पीलाल, ठीक है, पीलाल इज राइट ऑप्शन, रीड करने से ये मिल जाता है। हु वॉज द एक्नोलेज लीडर ऑफ द हिंदू हॉस्टल, हिंदू हॉस्टल का जो लीडर है वो कौन निकलता है इसमें, तामोली, ओके, तामोली इज द लीडर। फिर देखिए 28 नंबर में क्या है, इसमें दो लिस्ट दिए हुए हैं, इनमें से हम लोग को मैच करना है, मिलन करना है, उसके बाद इसका राइट ऑप्शन जो है ये करना है। इवलियन, इवलियन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एथिसिस्टिक मीन वन और नंबर फोर, ठीक है। तो फिर इंसुलेंट
नंबर वन। तो इस प्रकार से इसको देखने के बाद इसका जो आंसर है ये निकलता है ए। ए इज राइट। एंड 29 में क्या आता है फिर? 29 कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जो बॉक्स है, बॉक्स में क्या आएगा फिर? जो डी है ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट ए डी राइट। नेक्स्ट क्या आता है फिर? 30 कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। इनमें टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको करने के बाद जो राइट है, क्या राइट निकलता है 30 में? बी, वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू। बी इज राइट। फिर 31 में क्या आता है? मार्च ऑफ ए 13 ईयर इज फ्राइडे। व्हाट इज द डे? 31st मार्च ऑफ ए 13 ईयर इज फ्राइडे। व्हाट इज द डे ऑन 1st डिसंबर ऑफ द सेम ईयर? क्या निकलता है ये? फ्राइडे। ओके, मीन डी इज राइट। डी इज राइट। 32 में क्या है फिर? 32 में स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ थ्री नंबर्स फॉलोड बाय ए ब्लैंक। हाँ, ये नीचे जो नंबर्स है इनमें से क्या करना है हमें? ब्लैंक में नीचे जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा नंबर राइट है वो निकल कर लिखना है। 82 इज राइट। ओके, बी इज राइट। डी 82। थर्टी थ्री जो है, स्टडी ऑफ द फ्लोइंग मिक्स सीरीज ऑफ लेटर्स एंड नंबर फ्लोर बाय ब्लैंक। इसका कौन सा राइट है 33 में? इसका राइट ऑप्शन डी है। डी इज राइट। ए मैन वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टोक अ टर्न एंड वॉक इन द 200 मीटर, देन ही अगेन टोक ए राइट टर्न एंड वॉक 200 मीटर, फाइनली ही टोक इन द राइट टर्न एंड वॉक 300 मीटर। How far is he from the starting point and in what directions from it? तो इस प्रकार से टर्निंग लेते रहे हैं, चलते रहे हैं, इस प्रकार से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो था इससे किस और कितना मीटर गए हैं, ये जो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है 100 मीटर टुवर्ड वेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ए इज राइट। ओके, फिर देखिए 35 का क्या है? हु इज वन ऑफ द फ्लोइंग
correctly represents two-thirds of the difference between the product of P and Q and the sum of A and B. तो देखिए ये काट जाता है इसलिए मुझे जूम करना पड़ता है और फिर छोटा करना पड़ता है। तो देखिए 35 का जो है इसका जो राइट आंसर है ये ए निकलता है, ए इज राइट निकलता है। ठीक है, तो फिर 36 व्हिच थ्री आर द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे पुराना इनमें से ओल्ड यूनिवर्सिटी कौन सा है, बी। ठीक है, बी इज राइट। इन द प्रैम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोइंग आइडियल्स आर हाइलाइटेड, नीचे दिए गए कौन सा जो पॉइंट है बातें है ये हाइलाइटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है प्रैम्बल है उसमें कौन सा है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है सी नंबर का जो है ये क्या है राइट है, ये क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में हाईलाइटेड किया गया है, वो बात इसमें प्रस्तावना में है। थर्ड एट में क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा नेशनल करिकुलम का जो है एजुकेशन में आता है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, एनसीईआरटी के द्वारा कब 2005। ठीक है, हम लोग जो पढ़ाई किए थे हम में से जो न्यू जनरेशन का जो लोग हैं जो इतना ज्यादा एजेड नहीं हुए हैं मतलब हम तो एनसीईआरटी का ही बुक पढ़े हैं ना, तो नेशनल करिकुलम जो है फ्रेमवर्क जो है ये एनसीईआरटी ने इसका क्या किया था डेवलप किया था, इसका तो मींस क्या है इसका बी इसका राइट ऑप्शन है। तो फिर देखिए 39 का क्या है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इनेक्ट इन द ईयर, सर्व शिक्षा अभियान जो है ठीक है सभी के लिए शिक्षा मतलब राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है ये कब से लागू किया गया है मतलब ये जो है ये 2009 से राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार जो आइन है एक्ट है ये 2009 से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसके बाद देखिए 40 नंबर में क्या है, इन व्हिच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द एजुकेशन कमीशन व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज द कोठारी कोठारी कमीशन। ठीक है, कोठारी आयोग जो है कोठारी कमीशन जो है इसको कब इसको बनाया गया था जिसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है फिर एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है इसको कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है ये 19 क्या है 64। ठीक है, तो 1964 का जो एजुकेशन कमीशन है उसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है, ये क्या है 1964 ऑप्शन सी इज राइट। फोर्टी वन में मेट इस आइटम ऑफ लिस्ट व
वन विथ टू, ठीक है। इसमें नेक्स्ट करने के लिए दे गए हैं इंडियन डिफेंस एकेडमी। इंडियन डिफेंस एकेडमी कहाँ है? इंडियन डिफेंस एकेडमी जो है ये पुणे में है। फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है ये देहरादून में है। फिर इंडियन मिलिट्री बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ पर है? टम्पे पे है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बेंगलुरु में है। तो इस प्रकार से ये मिलान करने के बाद इसका जो राइट ऑप्शन है ये निकालता है बी। बी इज राइट ऑप्शन बी। ओके, 42 नंबर में क्या है? एन एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क प्रोवाइडिंग प्रोग्राम्स कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये जो रेडियो चैनल है ये सब कुछ देने वाला जो रेडियो चैनल है इसका क्या नाम है? फिर ज्ञानवाणी, ठीक है, एफएम जो है ज्ञानवाणी। फिर देखिए 43 में क्या है? ए टाइप ऑफ जर्नलिज्म दैट प्रेजेंट्स लिटल और नो लेजिटिमेट वेल रिसर्च न्यूज एंड इंस्टेड यूज आई कैचिंग हेडलाइंस टू सेल मोर न्यूज़पेपर, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है यह है येलो जर्नलिज्म। मतलब इतना ज्यादा बात उनको अपने कमर्शियल जो दिशा है उससे क्या है मतलब रहता है, उसको क्या कहा जाता है? पीठ पत्रकार, मतलब येलो जर्नलिज्म। 44 में इट इज एन इनफॉर्मल अनऑफिशियल एंड पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल और सिस्टम दैट टेक्स प्लेस विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ए रिजल्ट ऑफ रूमर एंड गोसिप, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ए, रैपिड कम्युनिकेशन, ए इज राइट। ठीक है, तो देन 45, द ओल्डेस्ट नेशनल ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओल्ड इज, ओल्ड का सबसे पुराने जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या है? बीबीसी वर्ल्ड, ठीक है। बीबीसी वर्ल्ड सबसे पहले ब्रॉडकास्ट किया। इसमें एक टेबल दिए हुए हैं उससे हम लोग को कुछ क्वेश्चन का आंसर निकालना है 46 से 50 तक का। 46, व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स। देखिए इसमें क्या है, ठीक है, ए बी सी डी दिए हुए हैं, उनका सब्जेक्ट दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या है 46, व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन ऑल द फोर सब्जेक्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये टेबल से ये मिलता है कि 390, ठीक है, दैट्स मीन दिस राइट ऑप्शन। 47 में व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द फोर स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, ये सभी के द्वारा मैथमेटिक्स में ऑब्टेन मार्क्स एवरेज करने के बाद कितना होता है? 135 मीन सी ऑप्शन इज राइट।
ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 48 में व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सी, सी का ओवरऑल परसेंटेज क्या है? सेवेंटी थ्री पॉइंट फोर, बी इज राइट। 49 में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेंड 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, कितने लोग, कितने स्टूडेंट 60% और उससे ज्यादा मार्क्स को स्कोर किया है, ऑब्टेंड क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ए वन। ठीक है, तो नेक्स्ट 50 देखिए, इसमें मैथ्स करने के लिए दिया गया है। मैथ्स फर्स्ट विद सेकंड, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो है ये ए है, ए ए इज राइट। तो व्यूअर्स देखिए, तो ये जो पेपर है हमारा ये कंप्लीट हो गया है, तो कांडला आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट लाइक शेयर करते रहेगा। जितने लोग चैनल से जुड़ जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम अदर टॉपिक में वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगेंगे, तो आप लोग किस प्रकार से मैं वीडियो और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं तो प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी बहुत बिजी हूँ, उसके बावजूद भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ किया जा सके, अच्छा लगता है कुछ कर पाता हो तो ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो मुझे भी और भी अच्छा लगेगा और भी वीडियो बनाने में। ठीक है, सभी को बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करिएगा।